हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा दंगल के प्रॉफिट मेकिंग मार्जिन के बारे में, यानी कि दंगल ने आखिर कितना कमाया, कितनी लागत रही और कितना प्रॉफिट हुआ। अभी तक 18 दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है और इन 18 दिनों के कलेक्शंस में दंगल का जो प्रॉफिट मार्जिन है या प्रॉफिट शेयर है वो 288% का प्रॉफिट है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन कहा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं 90 करोड़ इस फिल्म का बजट था और 90 करोड़ में से अभी तक फिल्म ने 18 दिन के बाद करीबन करीबन 350 करोड़ कमा लिए है, 349.65 करोड़, यानी कि 350 करोड़ लगभग कमा ली है। और इसके बाद जो इसकी अर्निंग है प्रॉफिट में, वो बता देना चाहता हूँ, 259.65 करोड़ की इसकी प्रॉफिट अर्निंग है, यानी कि 250 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट सिर्फ कमाया है इस फिल्म ने। और इसका सैटेलाइट राइट वगैरह भी अगर हम देखें, करीबन करीबन 75 करोड़ में बिका है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है दंगल को, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है आमिर खान के लिए। मतलब ये तो भाई ऐसी बात हो गई जैसे एक फिल्म चल गई तो हम एक नॉर्मल आदमी के लिए जिंदगी भर की टेंशन नहीं कमाई कि वैसा कुछ हो गया, और बहुत बड़ी अर्निंग है। और एक जो मार्क करके गई है दंगल मूवी बॉक्स ऑफिस पर कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड, मतलब आप समझ लीजिए इंडिया और ओवरसीज मार्केट में वो रिकॉर्ड तोड़ पाना मुश्किल है। और अभी भी फिल्म चल रही है तो तीसरा वीक खत्म होगा, तीसरा वीक और चौथा वीक पूरा, तो इसमें जो भी कलेक्शन होगा करीबन करीबन 30-40 करोड़ और होगा कलेक्शन, यानी कि 380 से 390 करोड़ तक का लाइफ टाइम कलेक्शन जाएगा। तो समझ लीजिए और ये प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने वाला है, और करीबन 288 है तो 300 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, ये आप समझ के रखिए। 300% का प्रॉफिट मार्जिन में मतलब बोलने का मतलब वो था, वो बढ़ने वाला है। तो अभी तक फिल्म बहुत अच्छा कमाल करी, देखते हैं किस तरह से आने वाले दिनों में फिल्म कमाल करती है। आपको क्या लगता है किस तरह से ये फिल्म जाएगी और कहाँ तक इसका लाइफ टाइम कलेक्शन होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का हर एक का रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।